हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नुसरत सर क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के मात्रा को सीखेंगे कि हिंदी के मात्रा का कहाँ उपयोग होता है, किसके पहले लगता है, किसके बाद में लगता है, किसके ऊपर लगता है, किसके नीचे लगता है और किसके मात्रा होता है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, मात्रा जो हमेशा होता है, मात्रा हमेशा स्वर का ही होता है, मात्रा हमेशा स्वर का ही होते हैं। तो स्वर जैसे यहाँ देखिए पढ़ेंगे कैसे इसको, आ आ ई ई ई ई उ उ उ उ ए ए ऐ ऐ ओ ओ औ औ अंग अंग अह अह। तो दोस्तों देखो, आज हम लोग देखें किसके बारे में, मात्रा के बारे में, कि मात्रा जो है आपका नीचे बाद में भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है और ऊपर भी लग सकता है और आपका नीचे भी लग सकता है। इसका उपयोग हम लोग देख चुके हैं बारह खरी में कहाँ कहाँ लगा है। उसमें अगर नहीं देखे उस वीडियो दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।